ऑफेंस आर विथड्रॉन फ्रॉम द रिकॉर्ड अरे आप बीजेपी के सेवक हो आप अडानी के सेवक नहीं हो आप अडानी के सेवक नहीं हो आप देश के सेवक हो व्हेन द हॉनरेबल मेंबर इज नॉट इन द हाउस यू कैन नॉट टेक आउट हिज नेम कौन से नहीं व्हेन द हॉनरेबल मेंबर इज नॉट इन द हाउस यू कैन नॉट टेक हिज नेम अडानी सुन के ही हलचल क्यों अडानी के सेवक नहीं देश की जनता आपको तंखा देती अडानी प्लेटफॉर्म नहीं है कौन सेफ नहीं स्पीकर साहब ये कौन सेफ नहीं कौन सेफ नहीं इनको बिल पे बोलना किसान सेफ नहीं और जो बिल के सर बैंक में सभापति महोदय इधर इधर सभापति महोदय इधर इधर आपको किसान सेफ नहीं किसान केसीसी लोन का किसान की बात कर रहा हूँ किसान की बात कर रहा हूँ किसान को केसीसी लोन रिन्यू करना चाहिए रिन्यू करना मांगता है कोई नहीं हो रहा ये संसद केसीसी का लोन उसका रिन्यू नहीं हो पा रहा सर टाइम है सर अभी टाइम है कार्रवाई से बाहर हो सर युवा युवा शिक्षा लोन चाहता है लेकिन शिक्षा लोन डिलीशन नहीं मिल रहा बैंक से आई ऑलरेडी टोल्ड स्टार्टअप डिलीटेड स्टार्टअप क्या चाहता है स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले लेकिन उसके पास कोलैटरल बी सीटेड फॉर अ मिनट एक मिनट ये सर सर आप आज काफी दिन के बाद आज हाउस अच्छी तरह से चल रहे हैं और हमने बिल पे चलने का सर बिल पे चर्चा करके अच्छा से अभी शुरुआत हुई है फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिल को टेबल किया है और सबका सुन करके रिप्लाई देने का बात किया है यहाँ जब बिल के चर्चा होते हैं एक स्टैंडर्ड है वो नए एमपी नहीं है गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर भी है और इस हाउस में तीन बार आ चुके वो नए नहीं है किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है मैं अनुरोध करता हूँ मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूँ आप जरूर बोलिए हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है लेकिन आप बिल अब कोई तरीका है ये तुम ही बोलते रहो फिर क्या बात करते हैं रूल से चलेगा कि नहीं हाउस ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या ये तरीका नहीं होता है या जब बिल पे चर्चा होता है बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है ये गलत बात है हम बिल पे सुनना चाहते हैं मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं आप बिल पे नहीं करते इधर उधर का बात करने से कैसे होगा देखो सर वी शुड नॉट डिमिनिश द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट्स एंड डिस्कशन द कन्वेंशन ऑफ दिस वेरी ग्रेट हाउस लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू तमाशा आप स्टैंडर्ड में बात कीजिए स्टैंडर्ड में जवाब देगा ऐसे नहीं होगा हम लोग आपको इज्जत करते हैं आपको भी इज्जत करना होगा प्लीज लिसन टू हिम निशिकांत दुबे जी माननीय निशिकांत दुबे जी कहता है और ये गौरव गोगोई जी को जानना चाहिए और सारे अपोजिशन को जानना चाहिए द डिस्कशन और मोशन दैट द बिल और एज द केस मे बी द बिल एज अमेंडेड बी पास शैल बी कन्फाइंड टू द सबमिशन ऑफ आर्गुमेंट्स ईदर इन सपोर्ट ऑफ द बिल और द रिजेक्शन ऑफ द बिल द मेंबर व्हाइल मेकिंग द स्पीच शैल नॉट रेफर टू द डिटेल्स ऑफ द बिल फर्दर then is necessary for the purpose of argument which shall be of general character general character ka koi bhi argument nahi ho sakta hai bill ke support mein clause ke support mein ya clause ke virodh mein bol sakta hai 94 ekdam saaf hai aur ye 94 ka violation hai sir 94 rule 94 ka ye violation hai aur aap unko kahiye ki
के बिल के सपोर्ट में या विरोध में बोलेंगे? या काइंडली बी सीटेड, आई हर्ड हिम, काइंडली बी सीटेड, काइंडली बी सीटेड, प्लीज गो बैक टू योर प्लेसेस एंड काइंडली बी सीटेड, 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 प्लीज टेक बैक, प्लीज टेक योर सीट. No, this, you can't do like this. You are disrupting the house. The entire nation is watching you. Please sit down. No, please sit down. Please sit down, I'm speaking. You are responsible, sir. Listen, the rule number 94 says, I'm reading only a part of the rule 94. I'm not reading the entire rule number 94. I'm reading only a part of it. Please listen. Please don't remind me of my job. I know what I am doing. Please listen to me. Now listen. The member, while making the speech, shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of arguments, which shall be of a general character. What is the previous sentence? The discussion on a motion that the bill, or as the case may be, the bill is amended, as amended, be passed, shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or the rejection of the bill. So you have to decide whether you are supporting the bill or not supporting the bill, and respect to the discussion of the bill. And I have, this is the sixth time I'm requesting you to restrict your discussion, to confine your discussion to the bill only. Yes. कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर बड़े बड़े कंपनियों को हेयर कट का मुनाफा देकर उन्होंने बड़े कंपनियों को मदद की और जीएसटी के द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी. डिस्कस आएगा, आप चिंता मत करिए. जब सत्ता पक्ष भी आएंगे ये भी बातें कहेंगे, आप चिंता मत करिए. सर, टैक्सेशन झूठ बोल रहा हूँ, अभी तक झूठ बोला कोई? अगर झूठ बोला तो मैं झूठ बोला. अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो सर, प्लीज कम टू द तो सर, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है. फिर इनकम टैक्स में क्या करते हैं? अरे सुनो, गोपाल जी, काइंडली बी सीटेड. दिस इज हैपनिंग बिकॉज एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, चार मंत्री खड़े हो गए सर. प्लीज बी सीटेड सर. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए. प्लीज चार मंत्री खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए सर. फिर टैक्स क्या आपको पता है सर? मध्यम वर्ग सर, मध्यम वर्ग जो कितना पैसा, वो खून पसीना, वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है. इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी. पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया. सर, दुख की बात नहीं है दैट इंडियंस आर पेइंग मोर थ्रू इनकम टैक्स देन कॉर्पोरेशंस आर पेइंग थ्रू कॉर्पोरेशन टैक्स. इज इट नॉट सैड? इज इट नॉट सैड दैट दिस गवर्नमेंट गिव्स कॉर्पोरेट टैक्स कट्स एंड दिस गवर्नमेंट गिव्स नो टैक्स रिलीफ टू द मिडिल क्लास? कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रिजीम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रिजीम दे सकते हो? कभी ये कहीं भी नहीं है. इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रिजीम्स. और सर, अभी आया, वेयर इज इट मेंशनड इन द बिल? वेयर इज इट मेंशनड इन द बिल? प्लीज कम टू द बिल. टाइम सर, या प्लीज कम टू द बिल. आई एम ऑन फाइनेंस, आई एम ऑन इकोनॉमी. व्हाट इज द Q2 डेटा रिवील सर? The Q2 data has revealed कि अब तक जो मैंने बोला है वो कहीं मैं हवा में नहीं बोल रहा, सच्चाई में बोल रहा हूं. इस बार का Q2 का डेटा 5.4% सबसे कम है ये सर, पिछले क्वार्टर से सबसे कम है.
पिछले क्वार्टर में Q1 में आपका 6.7% था, अब Q2 में आपका ग्रोथ 5.4% आया। ये क्यों आया? क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपका GVA कम है इसीलिए हो रहा है, क्योंकि आज अर्बन डिमांड कम है इसीलिए आज हो रहा है। ये पूरा जो GDP अगर चल रहा है उसका कारण एक है कि गवर्नमेंट थ्रू कैपेक्स इज पंपिंग मनी, और जिस दिन गवर्नमेंट का कैपेक्स निकल जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में पैसा चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा, तो ये सुबुरा का पूरा हमारा इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। You are sir, not talking arrow, about arrow. The bill, you are talking all around, arrow. Not the bill. Arrow, kindly, arrow. Please I, come back to the bill. I hear you. Please I hear come you. Come back to the bill. I hear you. Sir, इन्होंने क्या क्या कहा था? Please. इन्होंने क्या? I hear you. इन्होंने 2000 I made अभी अभी कुछ महीने पहले क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री की बातों सुनोगे? प्रधानमंत्री की बातों सुनोगे? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक सर, है इफ यू डू नॉट कम बैक टू द बिल आई विल हैव पहले मुझे समझ नहीं आया आई विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर स्पीच सर पहले मुझे minutes. समझ नहीं आया कौन सेफ है? प्लीज आई एम गिविंग यू लास्ट फाइव मिनट्स टू कम टू द बिल वो एक कौन है मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया, एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो CBI आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ED आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो SBI आपके साथ है, अगर सोलर पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर बैंकिंग अमेंडमेंट के बारे में बोल रहे हैं आपके साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं सर? काइंडली कम बैक टू द बैंक। इनकम टैक्स ED के साथ क्या हमको पता नहीं? सीमेंट कंपनी अगर चाहिए तो ED आपके साथ है, और अगर लैपटॉप और फोन और जांच की एजेंसी ले ले तो MEA भी आपके साथ है, MEA भी आपके साथ है। मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया, जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं लेकिन MEA को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो SBI भी आपके साथ है, तो इसीलिए जब तक मोदी है एक है तो सेफ। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है।